अस्सलाम वालेकुम अजीज तलवार, रैपर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। स्टूडेंट, आपके बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़ा है, लेकिन सब में आपने लिखा है कि सर वीडियो पांचवा पार्ट आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएक नेम। चलिए आईयूपीएक नेम बनाते हम लोग। तो आईयूपीएसी नेम का ये वीडियो आपके सामने है, वीडियो को पूरा देखिए। जो नेट स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी के। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है पहले जो रूट वर्ड्स है वो याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अल्क, अल्क क्या काम करता है? अल्क जो है कार्बन की तादाद को जाहिर करता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से। इसको हम बोलते हैं रूट वर्ड। अल्क में एन इन आइन लगता है, जैसे एन लगा तो बनता है अल्केन, इन लगा तो बनता है अल्कीन, YNE लगता है तो बनता है अल्काइन। और अल्क जो है वो कार्बन के तादाद को जाहिर करता है कि कितने कार्बन उसमें मौजूद है, ठीक है। पहला पॉइंट आपके क्लियर हुआ होगा। जैसे एक कार्बन है तो रूट वर्ड लगेगा, यानी जो हम जिसको बोलेंगे असल, वो लगेगा मेथ। कार्बन कंपाउंड में आपके अगर एक वर्ड है तो आप उसको मेथ बोलेंगे, दो कार्बन है तो उसको आप बोलेंगे एथ, तीन कार्बन है तो आप बोलेंगे प्रोप, और चार कार्बन है तो आप बोलोगे ब्यूट, और पांच कार्बन है तो आप बोलोगे पेंट, और छह कार्बन है तो आप रूट वर्ड लगाओगे हेक्स, सेवन कार्बन है तो आप लगाओगे हेप्ट, और हेप्ट है वो, और एट कार्बन है तो आप लगाओगे ऑक्ट, और नाइन कार्बन है तो आप लगाओगे नॉन, और दस कार्बन है तो आप लगाओगे टेक। ये रूट वर्ड आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये रूट वर्ड अगर आपको याद है तो आप आसानी कोई भी आईयूपीएसी नेम इजीली लिख सकते हो। बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं, वो तमाम के तमाम चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो बी रेडी। आपको ये पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने कि एक कार्बन के लिए आप मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन के लिए एथ यूज करेंगे, तीन आया तो प्रॉप, चार आया तो ब्यूट, पांच आया तो पेंट। ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा कार्बन के जो कंपाउंड है उसमें ज्यादा कार्बन वाले आपको नाम नहीं पूछता है, जो सिंपल सिंपल है आप चार पांच छह तक भी याद कर लिए तो आपका बहुत सारा काम यहाँ पर इजी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गया होगा कि कितने कार्बन आए तो आप क्या यहाँ पर यूज करोगे, क्या इस्तेमाल करोगे। सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स। अब देखिए, कॉमन नेम का अगर केमिस्ट्री में आपने देखा होगा या अगर आप केमिस्ट्री में नोट करोगे, तो जैसे मैं अभी एक शख्स है और उसका कॉमन नेम आपको मालूम है कि कॉमन नेम और ऑफिशियल नेम। ऑफिशियल नेम यानी जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट में यूज होता है वो सब ऑफिशियल नेम है। जैसे आपके स्कूल के रजिस्टर में आपको जो नाम है ऑफिशियल नाम है, लेकिन आपको घर पे कुछ और नाम से बुलाते होंगे तो उसको बोलते हैं हम कॉमन नेम, है ना। जैसे राजू, बबलू, गुड्डू, पुट्टू, पिंटू वगैरह जो भी नाम है। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम CH3NH2, तो ये एक कार्बन कंपाउंड है। अब इस कार्बन कंपाउंड के भी कॉमन नेम होते हैं। जैसे पहला नाम अगर हम लेंगे हम, तो इसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन, ये मिथाइल अमाइन है। इसको और बोल सकते हो मिथेनामाइन भी बोल सकते हो, इसको हम अमीनोमिथेन भी बोल सकते हैं, इसको हम मोनोमिथेल अमाइन भी बोल सकते हैं, और इसको हम मिथाइल अमोनिया भी बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताइए अजीज तलवा कि एक कंपाउंड के इतने सारे नाम कितनी कंफ्यूजन वाली बात है। तो इसीलिए सिस्टम ऑफ कॉमन नेम को एक नाम दिया गया है, नामिनिकल्चर किया गया है, नाम लिखने के एक तरीके को अपनाया गया है, और उस तरीके को हम बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, ठीक है। C4H12 सालमी जाब्ते वाले तमाम मुमकिन साख्ती जाब्ते बनाइए, इन तमाम अंसरों को नाम दीजिए, नाम देने के दौरान कौन सी मुश्किलात पेश आई बताइए। चलिए हम क्या करते हैं ना, C6H14 ये जो कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड, इसके हम तमाम साख्ती जाब्ते लिखिए, जो जो मुमकिन हो सकता है तमाम साख्ती जाब्ते हम यहाँ पर बनाते हैं। पहला देखिए C6H14 का C1 2 3 4 5 6, छह कार्बन लिया, CH3 CH2 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 CH3, ये मेरा एक कार्बन कंपाउंड बन गया, ये पहला एक कार्बन कंपाउंड मैंने बनाया, ठीक है, सिंपल है। अब इसका नाम अगर मैं दूंगा तो इसमें देखिए एन हेक्सेन, एन का मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन है, ये नॉर्मल हेक्सेन है, एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। अब इसी हेक्सेन को मैं और तरीके से बना सकता हूँ, जैसे ये CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन है, कार्बन कितने होना चाहिए 6, एक नीचे लगा देता हूँ, हो गया CH3। बात समझ में आ गई,
तो ये जो एक नाम लिखा ये भी हेक्सेन है, बट यहां पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक साख बनी है, साखदार जंजीर है, ये स्ट्रेट जंजीर है, सीधी जंजीर है, स्ट्रेट चेन है ना, ये साखदार है, मतलब जैसे झाड़ है उसकी टहनी बाहर निकलती है ना, तो ये ऐसे यहां पर ये टहनी बाहर निकल गई, साखदार जंजीर उसको बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चर। तो इसका नाम है आइसोहेक्सेन, क्योंकि ये आइसोमर्स की तरह आया है, मतलब यहाँ पर साखदार जंजीर को हम बोलते हैं आइसोमर्स, तो ये आइसोहेक्सेन है। चलिए एक और बना देता हूँ इसका, CH3 CH2 CH3, और ऊपर एक लगा दूंगा, नीचे एक लगा दूंगा, ऊपर एक लगा दूंगा, आपका ये जंजीर ये भी बन गई है। बट यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर ऊपर नीचे बना है, इसका नाम अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं नियोहेक्सेन। सबके सब हेक्सेन है, C6H12 है, लेकिन इनके नाम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ गए। तो ये एक मुश्किल पैदा होती है कि एक ही कंपाउंड के नाम को अगर स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है, साख्ती जाफ्ते मुख्तलिफ हो जाते हैं, तो हम उसको नाम देने में थोड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। इसलिए क्या हुआ, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कार्बनिक कंपाउंड की तादाद बहुत ज्यादा हो जाने से आम नामों से परेशानी होने लगी कि भाई कितने सारे आम नाम हो जाएंगे, तो फिर एक नाम लिया गया है मंतिक पर मबनी, उसके लिए काबिल कबूल तरीके की जरूरत महसूस होने लगी। तो फिर एक जरूरत महसूस होने लगी कि भाई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा नाम का सिस्टम बनाया जाए जिसमें सबके नाम एक एक मुनफरिद मुनफरिद नाम मतलब होने लगे, ज्यादा नामों की परेशानी ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं आयोपिक तरीका, IUPAC नॉमिनिकल्चर सिस्टम। ठीक है, किसी भी कार्बनिक मरकबात के आयोपिक नेम के तीन जुज होते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, किसी भी कार्बनिक मरकबात के आयोपिक नेम का नाम के तीन जुज होते हैं। पहला जुज होता है पेरेंट्स, उसके आगे लगता है प्रीफिक्स, उसके बाद लगता है सफिक्स। चलिए ये तो इंग्लिश में हुआ, मैं आपको इसका उर्दू बता देता हूँ। पेरेंट्स को बोलते हैं हम असल, प्रीफिक्स को बोलते हैं, सफिक्स को बोलते हैं लाहेका, और प्रीफिक्स को बोलते हैं साबेका। लेकिन ये जो प्रीफिक्स है ये पेरेंट्स से पहले लगता है, लेकिन जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो वो अगर उर्दू में लिखेंगे तो इधर से लिखते हैं, सीधी तरफ से लिखते हैं, और इंग्लिश में इस तरफ से लिखते हैं, तो ये साबिका इधर आ जाएगा, ये लाहिका इधर जाएगा, तो ओरिजिनल बनेगा हमारा कुछ इस तरह, साबिका असल से पहले, लाहिका असल के बाद, पेरेंट्स उससे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स। चलिए इसको थोड़ा किनारे करता हूं मैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को, और अब हम पेरेंट्स को देखते हैं। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है अजीज तलबा, कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन में अकहरी बंदिश है, तो आप रूट वर्ड में यानी पेरेंट्स में लगाएंगे आप एन। अब रूट वर्ड्स क्या है, अभी हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि एक कार्बन आया तो एथ लगाने का, दो आया तो एथ लगाने का, उसको हम बोलेंगे रूट वर्ड्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये सिखाया। तो अगर सिंगल बॉन्ड आया तो आप लगाएंगे एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो आप लगाएंगे ईन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो आप लगाएंगे आइन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, अकेरी बंदिश एन, दोहरी बंदिश इन, और तिहरी बंदिश आइन लगाएंगे आप। ये हो गया आपका असल, असल यानी पेरेंट, और इसी को हम बोलते हैं रूट वर्ड। क्या बोलते हैं इसको, रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद ही हमको यहाँ पर जो है ये लगाना है, या तो इस चीज को याद रखिए कि एन इन आइन जो है वो रूट वर्ड के बाद लगे, है ना। अब प्रीफिक्स में क्या लगेगा, तो बहुत गौर से और बहुत ध्यान से आपको देखना है कि प्रीफिक्स में अगर हैलोजन्स आते हैं, अब हैलोजन्स आपको पता है, आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप देखिए। सवाल नंबर दो, कार्बन अपने आमने सिर की दोहरी जमात बंदी, उसमें जो है मैंने हैलोजन यानी ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट है जिसमें आते हैं क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये इनको हैलोजन बोलते हैं। अगर कार्बन कंपाउंड में फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ब्रोमीन लगा है या आयोडीन लगा है, तो ये प्रीफिक्स में लिखेंगे, मतलब साबिका पेरेंट से पहले लिखना है, असल से पहले लिखना है आपको, है ना। तो अगर पहले लिखेंगे, जैसे फ्लोरीन लगा है
तो हम असल यानी पेरेंट से पहले लिखेंगे फ्लोरो। क्लोरीन लगा है तो हम लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमीन लगा है तो हम लिखेंगे ब्रोमो। और आयोडीन लगा है तो हम लिखेंगे आयोडो। ये याद रखना है आपको, मैं एग्जांपल जब बताऊंगा आपको तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड जो है सफिक्स में हमको क्या लिखना है। सफिक्स मतलब असल पेरेंट्स के बाद रूट वर्ड, उसके बाद हमको सफिक्स लगेगा यानी लाहेका हम जिसको कहते हैं। उसमें आपको क्या है, अगर फंक्शनल ग्रुप यानी तफाउली ग्रुप अगर ये आर यानी अल्काइल ग्रुप हो जाता है और उसके अंदर अल्काइल ग्रुप मतलब जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया CH3CH2CH3CH2 आगे लग गया OH, तो OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, ये है अल्कोहल ग्रुप। तो ऐसा अगर तफाउली ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अगर OH लगता है तो हमको सफिक्स में लिखना पड़ेगा ऑल, OL लगाना है ऑल, ये याद रखिए। अगर COOH आता है कार्बन कंपाउंड में तो हमको लिखेंगे यहां पर ऑइक एसिड, क्या लिखेंगे ऑइक एसिड। अगर CHO आता है तो हम लिखेंगे आल। देखिए उर्दू में लिखने में ऑल और आल दोनों एक जैसा होता है, तो आप याद रखिए जो भी आप आयोपिक नेम लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखना जरूरी है, है ना। प्रोपीन लिखेंगे तो भी उर्दू में एक जैसा आता है, प्रोपेन लिखेंगे तो भी उर्दू में एक जैसा ही मिलेगा आपको। तो उससे बेहतर है आप इंग्लिश में नाम लिखिए और आगे उर्दू में नाम लिखिए तो आपके लिए बेस्ट होगा, आपके मार्क्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। RCO RCHO आल लगाने का आल। अब अगर RCOR यानी दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ये जो CO है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में लगता है ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्डिहाइड है इसलिए अल लगता है, और यहां पर कीटोन ग्रुप है इसलिए लगेगा ओन। वन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ओन। और फिर आगे एक और है RNH2 और इसको पढ़ते हैं अमाइन ग्रुप, तो इसलिए ये अमाइन। ये स्लाइड अगर आपने ये पूरा अच्छे से याद रख लिया कि आपको कब और क्या लगाना है तो आप कोई भी आयोपिक नेम इजीली लिख सकते हो। इसको आप रिपीट कीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर भी तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए अब मैं एक एक आयोपिक नेम आपको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है लगाकर मैं आयोपिक नेम आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ थोड़ा सा जो पीछे पढ़ाया था उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर लेता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो देखिए पहले स्टेप नंबर वन क्या करना है, ड्रॉ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट। इंग्लिश में है कोई बात नहीं, ये देखिए उर्दू में आ गया। मरना एक रास जंजीर मुरक्कब साख्त जाब्ता लिखकर उसके कार्बनों की दौरा की तादाद की शुमार कीजिए, मतलब कितने कार्बन लगे हुए हैं सबसे पहले वो गिनना है। दूसरे बात कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है उसको प्रीफिक्स और सफिक्स में बराबर लगाना है। क्या है साख्ते जाब्ते में कोई तफावली ग्रुप यानी फंक्शन ग्रुप हो तो असल नाम के ग्रुप के ई हटाकर, देखिए आके का ई हटाना है और उसकी जगह ये तफावली ग्रुप के नाम का मुख्तसर नाम, जैसे मैंने OH आया तो ऑल बोला आपको लगाने, है ना, COOH आया तो ऑइक एसिड बोला है, तो ये कब लगाएंगे आप, ई हटाने के बाद लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में इफ द स्ट्रक्चर फार्मूला कंटेन द फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस द लास्ट लेटर ई फ्रॉम द पैरेंट, पैरेंट में से ई निकाल देना है और आपको वहां पर लिखना है। असाइन द नंबर ऑफ कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप, और फिर वो फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पर लगा हुआ है, OH, COOH या CL या CBR, जो भी फंक्शनल ग्रुप जो भी तफावली ग्रुप है, जितना मैंने तफावली ग्रुप अभी आपको बताया हूँ जैसे क्लोरीन ब्रोमीन प्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, उसके बाद ऑल आल ऑइक एसिड, उसके बाद कीटोन का ओन, ये सब लगाना है आपको, लेकिन वो कितने नंबर पर है वो भी आपको लिखना है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। मरला के कार्बन में CHO या COOH ना हो, अगर ये दोनों ना हो तो कार्बनों की जोड़ों की तरह एक दूसरे से दूसरे सिरे तक नंबर दीजिए, जंजीर को नंबर दोनों सिमटों में दिए जा सकते हैं। मतलब क्या, अगर यहाँ पर COOH ना हो तो क्या करेंगे हम, जंजीर को नंबर देंगे। जैसे भी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, है ना, डरने की बात नहीं है,
बहुत सिंपल है, अगर आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है तो आप बहुत इजी से आयोपिक नेम लिख सकते हैं। तो आप ये पढ़ लीजिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ, पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, बताने से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वजीस तलबा। देखिए अल्केन, अल्केन का मैंने आपको पिछले वीडियो में, आपने अगर 1, 2, 3, 4 पार्ट देखा होगा तो आपको वो वीडियो में समझ में आएगा। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है वो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत डिटेल में बताया है। अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ आई के बटन पे क्लिक कीजिए, अभी आपको हम देखने में आ जाएगा। तो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब अगर यहाँ पर एक कंपाउंड बनाते हैं, इसको लेकर वो मैंने बना चुका हूँ, मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ CH3CH2CH3। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आया इसका IUPAC नेम लिखिए, इसका IUPAC नेम लिखिए, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जिस तरह बहुत ईजी है। 1, 2, 3 कार्बन गिनना है, कितने कार्बन है, नंबर 1, 2, 3। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको एग्जामिनेशन में ये नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट कार्बन गिनना है। 3 कार्बन है, या तो आप लिखेंगे प्रॉप, क्या लिखेंगे प्रॉप, फिर बॉन्ड देखेंगे, पहले 3 कार्बन देखेंगे, कार्बन की तादाद कितनी है, उसका रूट वर्ड लिखेंगे जो मैंने आपको बता चुका हूँ प्रॉप, उसके बाद आप बॉन्ड देखेंगे, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है तो आप लगाएंगे एन, तो ये हो गया प्रोपेन, खत्म हो गया मामला, खत्म, आपका आयुपिक नेम एकदम सिंपल हो गया प्रोपेन, बहुत सिंपल। चलिए नेक्स्ट लेता हूं मैं CH3CH2CH2CH2CH3। ये भी एक कंपाउंड है, किसी भी तरीके से कंपाउंड आया, आपको सिर्फ कार्बन गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन है। चलो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लगता है हमारे पास, पेंट, सबको मालूम है पेंट, सिंगल बॉन्ड है, आगे लगा देंगे एन, हो गया आपका पेंटेन। बताइए मुझको इसमें क्या दिक्कत है, आप हो गया पेंटेन। नेक्स्ट और एक लेता हूं, अब ये हो गया अल्केन के पूरे, एन लगाना है आपको, ये याद रखना है। अब अल्कीन के लिए आते हैं, अल्कीन में आता है CnH2n, यानी इसमें आता है डबल बॉन्ड, ये सब सिंगल बॉन्ड के थे, अब डबल बॉन्ड को आपको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अब बोला है आपको इसका आयोपिक नेम लिखिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कार्बन गिनोगे, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 4 कार्बन का आता है ब्यूट, रूट वर्ड यानी जो असल है वो ब्यूट आता है, बॉन्ड देखेंगे डबल बॉन्ड है, ईन लगाएंगे, बट अब बहुत ध्यान से देखना है, डबल बॉन्ड जो अभी लिखा हुआ था पीछे, मैंने बोला था मैं इसको समझाऊंगा, आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है ये भी आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम तपावली ग्रुप भी पकड़ सकते हैं। तो जब भी अगर आपको डबल बॉन्ड का कार्बन कंपाउंड आया और उसका आयोपिक नेम लिखने के लिए कहा गया है, तो आप पहले कार्बन गिनोगे, डबल बॉन्ड से ईन लगाओगे, ये आपको तरीका याद होना चाहिए। लगाने के बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पे कार्बन पे है, तो आप देखेंगे 1 और 2 के बीच में है, तो 2 लू क्या 1 लू, तो मैंने क्या कहा है, छोटा वाला लेना है आपको, जो स्मॉलेस्ट है, छोटा नंबर 1 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1-butene। बताइए क्या मुश्किल है 1-butene। इसको और एक तरीके से आप लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा था, नंबरिंग सफिक्स में लगाइए या प्रीफिक्स में लगाइए, नंबर को आप साबके में भी लगा सकते हो और लाहके में भी लगा सकते हो। लाहका कहाँ आता है, रूट वर्ड के बाद आता है, रूट वर्ड क्या है, ब्यूट है, तो चलिए देखो रूट वर्ड है लाहका, आगे इन लग गया डबल बॉन्ड है, और रूट वर्ड के बाद हमको यहाँ पर सफिक्स लगाना है, मतलब लाहका लगाना है, तो लाहका क्या है, हमने क्या लिए, नंबरिंग, नंबरिंग जो है प्रीफिक्स में भी आ सकती है, यानी पहले भी लग सकती है और रूट वर्ड के बाद भी लग सकती है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो नो दिक्कत, आप पहले लगा दीजिए 1-butene, नो दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, CH3CH2CH2CH C डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कितने हैं, तो आप देखेंगे 5 कार्बन है, 1, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखिए सर आपने तो इधर से गिना है ना, तो क्या हुआ, इधर से क्यों गिना, किधर से भी गिनी आप, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5,
तो पेंट और डबल बॉन्ड है इन लगा दिया, बट डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो मैंने क्या कहा था इधर से गिनेंगे आप तो आपको पांचवें नंबर चौथे नंबर पे मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो आपको पहले नंबर पे मिलेगा, तो जो छोटा नंबर है उसको लेना है आपको, इधर से गिनिए आप, इधर से गिनने की आपको जरूरत ही नहीं है, इधर से गिनेंगे तो आप लिखेंगे 4 पेंटीन तो गलत हो जाएगा। रूट वर्ड में अगर आपको बॉन्ड की जगह नंबर देना है तो वो नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए, यहां पर आएगा 1 पेंटीन। अब इसको अगर इस तरह लिखेंगे तो पेंट 1 इन हो गया, पेंट 1 इन यानी 1 पेंटीन भी लिख सकते हो, पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, यानी नंबरिंग जो देंगे कार्बन के बॉन्ड की नंबरिंग वो पहले भी आ सकती है और रूट वर्ड के बाद भी आ सकती है। तो अजीत तलवार ये हो गया अल्किन, CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड CH3 प्रॉप, तीन कार्बन है प्रॉप हो गया और डबल बॉन्ड नंबर एक पे लगा हुआ है प्रोपीन हो गया, इसको आप लिख सकते हो 1 प्रोपीन, ये प्रोपीन भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, जो समझ में आ रहा लिख के आने का, खाली छोड़ना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अल्काइन को लेते हैं, इसको लेते हैं अल्काइन CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपको समझ जाना ये आयन लगेगा अल्काइन। अब कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है एथ, क्या होता है एथ, अब एथ आ गया ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपको लगाना है आयन, तो इथाइन हो गया ये, अरे हुआ कि नहीं हुआ इथाइन, है ना, इसको इथाइन कर दिया, अल्काइन नहीं इथाइन, ठीक है हो गया। नंबर 2 CH3 CH2 C, आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने नंबरिंग नहीं दिया, अरे इधर से गिना भी तो 1 आएगा, इधर से भी गिना भी तो 1 आएगा, नंबर की जरूरत ही नहीं है, दो ही तो कार्बन है, 2 के बीच में लगा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। CH3 CH2 C C डबल ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताइए इसका नाम क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके आप नाम देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस किया है तो वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 रूट वर्ड आएगा आपके पास, 6 कार्बन है आपके पास, आप रूट वर्ड क्या लिखोगे अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, क्या लिखोगे हेक्स, ओके। नाउ 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या करना है कौन बताएगा मुझको, तो आप सब बोल सकते हैं कि सर 3 वाला लेंगे हम, 4 वाला नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा आइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, हटाइए वहां लगा दीजिए 3, तो हेक्स 3 आइन हो गया, आपका नाम एकदम इजी हो गया, हेक्स 3 आइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3, कार्बन गिनिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, चलो भाई 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने गिन लिया, ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ डायरेक्ट नाम लिखना है, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप एग्जाम में ऐसा लिखते भी हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आपको सीखना है। चलिए तो ये हो गया 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है हमारे पास प्रॉप, और बीच में 2 नंबर पे लगा हुआ है 2 आइन, हो गया आपका प्रॉप 2 आइन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेलोजन, अब क्या लेते हैं हेलोजन, ये तो हो गया हमने बॉन्ड के बाद, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसमें कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप यानी तपावली ग्रुप जैसे OH C डबल OH और CHO कीटोन वगैरह लगा हुआ नहीं था। अगर कार्बन कंपाउंड में हेलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन आए तो उसको लिखना है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे, पहले लिखना है, पहले लिखना है प्रीफिक्स, है ना, कौन कौन से क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। चलिए अब ये कंपाउंड है कार्बन कंपाउंड, इसका नाम हमको लिखना है CH3 CH2 Cl, अब Cl आ गया मतलब हेलोजन आ गया, नंबर गिनना है कार्बन के 1 2, ये कार्बन नहीं है क्लोरीन, पूरा एक फार्मूला है, इसको कार्बन नहीं पकड़ना, C 1 2 2 है तो क्या आएगा हमारे पास 2 कार्बन है तो हम लिखते हैं 8, तो रूट वर्ड पहले लिखेंगे 8, हो गया भाई रूट वर्ड। अब उसने बोला है प्रीफिक्स में लगाना है तुमको फ्लोरो क्लोरो ब्रो, प्रीफिक्स मतलब पहले, लेकिन हम बॉन्ड देखेंगे पहले, सबसे पहले बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड सिंगल है तो हम यहाँ लगाएंगे एन, ये हो गया इथेन, बट यहाँ पर क्लोरीन भी तो है ना, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है
यानी तफाउली ग्रुप लगा हुआ है, तो क्लोरीन को हम क्या लेंगे, क्लोरो, और कहां लगाएंगे, पहले, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, तो ये हो जाएगा क्लोरोइथेन। बहुत सिंपल नाम हो गया, देखिए आपको समझ गया होगा, ठीक है। एक और लेते हैं हम लोग, चलिए क्लोरोइथेन इसका नाम हो गया सेकेंड। अब इसमें और उसमें बहुत फर्क हो गया, देखिए फर्क क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप लगा है तफाउली ग्रुप, यानी क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो लगा हुआ है ये चेन में लगा हुआ है, जंजीर में लगा हुआ है और साफदार जंजीर में लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसकी नंबरिंग करना, नंबर देना जरूरी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कार्बन की तादाद गिनोगे, तो कार्बन की तादाद 3 है तो हम लिखेंगे प्रॉप, क्या लिखेंगे प्रॉप। बॉन्ड देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे एन, ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि ये ब्रोमीन आया तो हमको लगाना है ब्रोमो, और कहां लगाना है, प्रीफिक्स में पहले लगाना है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो। बट कितने नंबर पे लगा हुआ है, इधर से गिनेंगे दूसरे नंबर पे, इधर से गिनेंगे दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे ब्रोमो और नंबर दे देंगे कि ये दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2-bromo-propane, क्या हो जाएगा 2-bromo-propane। इधर से गिनेंगे दूसरा नंबर, इधर से गिनेंगे दूसरा नंबर, नो प्रॉब्लम, दूसरे नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है इसलिए 2-bromo-propane। तो अगर इस तरह के कंपाउंड आपको आए तो आपको नाम के साथ उसका नंबर भी देना है कि कितने नंबर पे लगा हुआ है। चलिए एक और लेते हैं हम लोग, 2-bromo-propane हो गया। अब ये आयोडो लगा हुआ है, देखिए आयोडीन लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 CH3। पॉज करके आप इसका नाम लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो CH3 CH2, 1 2 3 4 पांच कार्बन यानी पेंट हो गया। तो सबसे पहले रूट वर्ड लिखेंगे पेंट, बॉन्ड देखेंगे कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल नहीं है तो फिर सिंगल है, तो एन लगाएंगे पेंटेन। अब इसमें लगा है आयोडीन, आयोडीन लगा है तो हम लिखेंगे आयोडो, क्या लिखेंगे आयोडो। कितने नंबर पे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 चौथे नंबर पे, इधर से गिनेंगे दूसरे नंबर पे, हमको लेना कौन सा है, छोटे वाला नंबर, तो हो जाएगा 2-iodopentane। देखिए आपको आराम से समझ गया होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूं आपको समझ रहा है जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पर 3, 2-chloro-2-chlorobutane। इसका आप कमेंट में मुझे बताइए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, 2-chlorobutane का स्ट्रक्चर, जैसे ये स्ट्रक्चर है ऐसे मुझे कॉमेंट में बताइए, और इसका नाम मुझे आप 1-bromo-propane भी बना के बताइए और 2-chlorobutane भी बनाकर बताइए। कभी कभी नाम दिया जाता है और आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, और कभी स्ट्रक्चर दिया जाता है आपको नाम लिखना होता है। अगर आपको ये समझ गया होगा तो आप ये दोनों का कमेंट में इजीली नाम लिख सकते हो, ओके स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा ऑल वाला आया, देखिए अल्कोहल है ना, यानी अगर OH आता है हमारे कार्बन कंपाउंड में, अभी हमने देखे क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन, अब देखेंगे हम OH, तो हम लगाएंगे ऑल सफिक्स में लगाएंगे। सफिक्स का मतलब होता है पैरेंट के बाद लगाना है, कहां लगाना है, पैरेंट असल के बाद, जिसको हम बोलते हैं लाहेका। अब पहले नहीं लगाना है, अब बाद में लगाना है, अब क्या लगाना है, ऑल लगाना है, OL ऑल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, CH3 CH2 OH आ गया, तो CH3 CH2 OH है, कार्बन देखेंगे 1 2, दो कार्बन है तो एथ लगाएंगे, तो चलिए पहले एथ लिख लेते हैं, और मैंने क्या कहा था, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड देखने का पहले तो एन लगा देने का। और आपको याद होगा कि जब भी हम ये आप तफाउली ग्रुप का लगाएंगे ऑल, तो ई हटाकर लगाएंगे, ये आपको पहले बता चुका हूं, तो यहां से ई हटाना है और उसकी जगह ओ एल लगाना है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। देखिए है सिंपल, ई हटाना है आपको, और ऑल ऑल जो भी है जितने भी मैंने बताया है वो सब ई हटाकर ही लगाना है आपको, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। सेकंड देखते हैं हम लोग, CH3 CH CH3 OH। अब यहाँ पर इसको नंबरिंग देना पड़ेगी, याद रहूंगा आपको, अब इसको नंबरिंग देना पड़ेगी। सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, तो 3 कार्बन है हमारे पास, प्रॉप होता है तो प्रॉप लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लगा देंगे, इन हटा के है ना, ई हटाने का है, क्या हटाना है, ई हटाना है, OL लगाना है, लेकिन ये OH कितने नंबर पर लगा है ये भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हमको ये पैरेंट जो है, असल जो है, इसमें से ई हटा के हमको पहले इसका नंबर देना है, तो नंबर कितना है, 2 है,
तो ये हट गया, ऑल लग गया। तो नंबर कहाँ लगाएंगे हम? पेरेंट से पहले। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये आखिरी में आएगा, सफिक्स है ना, ये पहले, इससे पहले हमको नंबर लगाना है यहाँ पर। और कितने नंबर पे? टू। तो हम लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन टू ऑल, उर्दू में लिखेंगे प्रोपेन टू ऑल, समझ गया होगा। चलिए सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच, सी एच थ्री, ओ एच, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 4 5। अब आप इजीली इसका नाम बता सकते हैं, 5 कार्बन पेंट हो जाएगा, तो लिख लेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, आप लगाएंगे एन। ई हटाकर आपको ओएल लगाना है, लगा दीजिए ओएल। नंबरिंग देना है, इधर से गिनेंगे तो चौथे पे आएगा, इधर से गिनेंगे दूसरे पे आएगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हमको छोटे वाला लेना है, तो हटा के थोड़ा सा यहाँ पर टू लगा दीजिए, तो प्रोपेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। ठीक है, बहुत सिंपल होता है आयोपिक नेम, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है आपको स्कूल में भी समझाया हो, बट अगर आपको नहीं समझाया है तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये टू कर दीजिए, पेंटेन टू ऑल, वन नहीं है, ये टू लिखना है, ये मिस्टेक से यहाँ पर वन हो गया। पेंटेन थ्री ऑल आप बना के बताएंगे कॉमेंट में, और उसके बाद इसका नाम लिखकर मुझे कॉमेंट में बताइए कि इसका नाम क्या आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड में इन लगता है कि एन लगता है वो लगाकर आपको यहाँ पर बनाना है। क्लियर एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं है। बॉन्ड देखना है आपको, ए एन ई एन जो भी लगाना है वो लगाना है, वो मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप रिवाइज करके देख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हम लोग, ये तो हमारा जो हो गया है तीनों। चलिए कार्बोऑक्सैलिक एसिड, थर्ड जो फंक्शनल ग्रुप है, पहला हमने देखा है क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन, दूसरा देखा है हमने फंक्शनल ग्रुप OH यानी अल्कोहल। अब हम देखेंगे कार्बोऑक्सैलिक एसिड जिसमें लगता है COOH। क्या लगता है? COOH। अगर COOH लगा तो हम लिखेंगे ऑइक एसिड, वो भी सफिक्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑइक एसिड, है ना, ऑइक एसिड लिखना है। तो चलिए पहले एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH। अब कार्बन कितने हैं? ये कार्बन, ये इस कार्बन को भी गिनना है, बात समझ लीजिए, कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस कार्बन को भी आपको गिनना है। तो वन और टू, टू कार्बन है तो हम लगाएंगे एट, लिख देंगे एट। सिंगल बॉन्ड है, एन लिखेंगे। अब ये आया है ई हटाकर सफिक्स में, यानी आगे, इधर इधर नहीं, बाद में लगाना है हमको ऑइक एसिड, तो ई हटा दीजिए और ऑइक एसिड लगा दीजिए, हो गया इथेनॉइक एसिड, सिंपल एकदम, नो टेंशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, इथेनॉइक एसिड CH3CH2COOH, कितने कार्बन है? 1 2 3, तीन कार्बन है, प्रॉप लिखेंगे, प्रॉप सिंगल बॉन्ड है, एन लिख देंगे। ई हटा के हमको लगाना है ऑइक एसिड, बन गया प्रोपेनॉइक एसिड, सिंपल एकदम, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको समझ रहा होगा तो वेल एंड गुड। ये हो गया है प्रोपेनॉइक एसिड, ओके, इसको लिखेंगे प्रोपेनॉइक एसिड। इंग्लिश में लिखे तो वेस्ट है, उर्दू में सारी चीजें एक जैसी नजर आती है, याद रखना। मीथेन भी लिखेंगे तो वैसे ही लिखेगा, मीथीन भी लिखेंगे तो वैसे ही दिखेगा, इसलिए इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में लिखिए। चलिए थर्ड वाला CH3CH2CH2CH2COOH। चलिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए हम लेते हैं प्रॉप, तो लिख देंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे एन। ई हटा के हमको लगाना है ऑइक एसिड, पेंटेनॉइक एसिड, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको मजा आ रहा होगा, पेंटेनॉइक एसिड इस तरह बनाया जाता है। अब अगर आपको नाम दे दिया जाए तो आपको नाम पर सही स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए, नो इश्यू। चलिए अब आपको खुद से लिखना है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयोपिक नेम। अब आपको मैं नाम दे रहा हूं, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना के मुझे कमेंट में बताना है। पहला है ब्यूटेनॉइक एसिड, दूसरा है, चलिए एक ही देता हूं, ब्यूटेनॉइक एसिड, तो आपको यहां पर ब्यूटेनॉइक एसिड बनाकर मुझे बताना है। ये हो गया थर्ड फंक्शनल ग्रुप कार्बोऑक्सैलिक एसिड। चौथे पे आते हैं हम, अल्डिहाइड यानी CHO लगाता है, क्या लगता है? CHO, अल्डिहाइड। चलिए सफिक्स में लगाना है यानी बाद में लगाना है, पेरेंट के बाद में, असल के बाद में, जिसको हम लाहेका बोलते हैं, और उसमें क्या लगाना है? ऑल। अब देखिए OH आया तो भी ऑल लगाना है, और ये आया CHO आया भी तो ऑल लगाना है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में भी लिखिए, तो इस इंग्लिश में AlOOL अलग अलग हो जाता है ना। चलिए नंबर एक CH3CHO,
कार्बन गिनेंगे, वन टू, इस कार्बन को भी गिनना है, दो कार्बन है, दो कार्बन है तो एथ हो जाएगा, एथ लगा दिए, सिंगल बॉन्ड है एन लगा दीजिए, इथेन हो गया, बट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CHO, CHO लगा हुआ है तो हमको क्या लगाना है, सफिक्स मैंने यानी यहां से हटा के ई हटा के हमको लगाना है आल, तो हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा इथेनॉल, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये इथेनॉल हो गया, CH3 CH2 CHO, ओके CH3 CH2 CHO, कितने कार्बन है, वन टू थ्री, इस कार्बन को भी गिनना है तो तीन कार्बन है हमारे पास, आ जाएगा प्रोप, प्रोप रूट वर्ड लिख लेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लगा देंगे प्रोपेन, बट ई हटा के हमको लगाना है ऑल, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेनॉल, क्या लिखेंगे प्रोपेनॉल, हो गया हमारा ये आयोपिक नेम। नेक्स्ट प्रोपेनॉल HCHO, कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन है, देखो वन कार्बन है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वन कार्बन मेथ, सिंगल बॉन्ड है एन लगा देंगे, ई हटा के लगाएंगे ऑल मिथेनॉल, एकदम सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको जो समझा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है, तो बहुत इजी है एल्डिहाइड जितने फंक्शनल ग्रुप है, आपको किस तरह नाम लिखना है, आया तो क्या हटाकर क्या लगाना है, ये आपको आना चाहिए जरूर। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने बताया था, अब आप मुझे ये बताकर इसका स्ट्रक्चर, टू क्लोरो पेंटेनॉल, अब टू आ गया तो डरना नहीं है, पेंटेनॉल यानी यहाँ पर आपको CHO लगाना है, लेकिन दो नंबर पे लगा देना है, कार्बन के दूसरे नंबर पे CHO लगा देना है, और यहाँ पर पांच कार्बन लेना है, क्लोरीन भी लगाना है और ये भी लगाना है, क्लोरो बोला है तो क्लोरीन भी आना चाहिए दूसरे नंबर पे और आगे CHO भी आना चाहिए यहाँ पर, बात समझ में आ गई। क्लोरीन जो है पहले आप पांच कार्बन ले लीजिए, एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको आ जाएगा, पिछली चारों वीडियो देखिए आप कार्बन कंपाउंड बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है, इसका बनाइए, ब्यूटेनॉल भी बना के बताइए। तो ये हमारा चौथा फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, पांचवा हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसा आ सकता है ना, और यह आर सी ओ भी आ सकता है, ठीक है, तो कभी भी ये सी लगेगा डबल बॉन्ड पे ओ लगेगा याद रखना, तो ये अल्काइल ग्रुप है दो, और अगर इस तरह आया आर सी ओ आर तो भी यही कहलाता है, बात समझ लीजिए, अगर चेन में लगेगा ऊपर जंजीर में लगेगा, कौन सी जंजीर, शाखदार जंजीर में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ लगेगा, और नहीं लगाए तो सीधा सीधा भी लग सकता है, बस सी ओ आया तो ये सफिक्स में लगेगा यानी बाद में लगेगा, पहले नहीं लगेगा, और क्या लगेगा ओन, इसको वन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ओन, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, अब बताइए क्या नाम लिखेंगे हम इसका, आयोपिक कार्बन गिनेंगे, वन टू थ्री, तीन कार्बन प्रॉप, प्रॉप लिख दिया, डबल बॉन्ड है ईन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है ईन, आप बोलेंगे सर डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड जो है प्रॉप लिख दिया, चलिए ठीक है, प्रॉप लिखने के बाद अब बॉन्ड देखेंगे, अब मुझे यहां पर आपका टेस्ट लेना, बताइए बॉन्ड सिंगल है या डबल है, तो आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर डबल बॉन्ड है। देखो तलबा थोड़ा सा रिवाइज कीजिए वीडियो को, और वीडियो को रिवाइज करने के बाद मैंने पेरेंट्स बताया था तो बॉन्ड किसके किसके बीच में बने थे, तो बॉन्ड जो बने थे वो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, इससे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, हमको अगर ये रूट वर्ड के आगे एन ईन आइन लगाना है तो वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है हमको, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं देखना है, बात समझ में आ गई, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये तो ऑक्सीजन के साथ है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हम लगाएंगे एन, ये प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तफावली ग्रुप लगा है कीटोन, तो ई हटा के आपको लिखना है ऑन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH3, अब क्या करना है आपको, वन टू थ्री फोर कार्बन है, आपको लिखना है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, आपको लिखना है एन, ई हटा के आपको लिखना है ऑन ब्यूटेनॉन, बताइए क्या मुश्किल है इसके अंदर। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां पर इधर देखते हम तो इधर भी वह इधर भी टू पे लगा है तो लिखे नहीं मैंने, यहां पर लिखा नहीं है टू प्रोपेनॉन, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, प्रोपेन टू ऑन भी नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई,
लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कार्बन आ गए, और तीनों कार्बन में अगर इधर से गिनेंगे 1, 2, 3 कार्बन पे ये लगा हुआ है डबल कीटोन ग्रुप, और इधर से दूसरे कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो हमको उसका नंबरिंग देना जरूरी है। यहाँ नंबरिंग नहीं दिया चलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से गिनेंगे आप एक ही आएगा, लेकिन इधर से दोनों तरफ से गिनेंगे तो मसावी नहीं आता है, इसलिए हमको यहाँ पर नंबरिंग देना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे हम, 1, 2, 3 लिखेंगे या 1, 2 लिखेंगे? तो आपको मालूम है क्या लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा पेंटेन ब्यूटेन 2-ऑन, ब्यूटेन 2-ऑन या ब्यूटेनॉन, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इधर देखते हैं। अब यहाँ पर CH3, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH3। अब आप मुझे एकदम इजीली इसको स्टडी करके आप इसका नाम बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा। कार्बन गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन पेंट, तो हम लिख लेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन लगा देंगे। थोड़ा सा ई को हटाएंगे, उसकी जगह ऑन लगाएंगे, तो हो जाएगा पेंटेनॉन। अब नंबर दीजिए, इधर से नंबर दो और इधर से 1, 2, 3, 4, तो हम दो लेंगे, तो यहाँ पर आएगा पेंटेन 2-ऑन। सिंपल है, देखिए कुछ मुश्किल है नहीं है, पेंटेन 2-ऑन। तो अब यहाँ पर हम पेंटेनॉन या पेंटेन 2-ऑन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा अगला कीटोन, लास्ट एक तफावली ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, जिसको इसका नाम आप मुझे लिख कर बताइए। इसका एक जो है एक होमवर्क है आपका, बहुत ईजी आप इसका नाम लिख सकते हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 आप इजीली लिख सकते हो, बता सकते हो कमेंट में मुझे इसका नाम बताइए। अगला अमाइन, आखिरी हमारा जो है अमाइन है, और अमाइन मैंने बताया था आपको NH2 लगता है, तो हम लगाएंगे सफिक्स में अमाइन, क्या लगाएंगे, अमाइन। चलिए एग्जांपल देखते हैं, CH3NH2 कितने कार्बन है, 1 कार्बन, वर्क कार्बन लेते हैं हम मेथ, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, है ना, एन ई हटा दिया पहले से, उसकी जगह लगाने का ई हटाए, अमाइन लगा दिया, इथेनामाइन हो गया, उर्दू में लिखेंगे मिथेनामाइन, है ना, ये मिथेनामाइन हो गया। सिंपल सिंधी बात एकदम, कोई भी उसमें कोई दिक्कत की राय नहीं, कोई दूसरा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए अगली एग्जांपल है हमारे पास CH3CH2CH2NH2, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन है, हम लिखेंगे प्रॉप, रूट बढ़ाएंगा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, आगे लगाएंगे एन, ई को हटा के लगाएंगे अमाइन, इथेनामाइन, बहुत ईजी है, प्रोपेनामाइन, क्लियर, बहुत इजी है, आपको सिर्फ यहाँ पर ई हटा के अमाइन लगाना है और दूसरा कुछ नहीं करना है, प्रोपेनामाइन। अजीज तलबा ये हो गया हमारा, तो अजीज तलबा ये हो गया हमारा आज का वीडियो पूरा, जितने आयुपिक नेम थे फंक्शनल ग्रुप के साथ वो मैंने यहाँ पर बता दिया, सारा यहाँ पर आयुपिक नेम कवर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।